सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद् गीता के दूसरे अध्याय के 8 श्लोक तक कल देख चुके थे। कल की कक्षा में 8 श्लोक हो गए थे। आज हम आरंभ करेंगे 9वें श्लोक से। आप में से यदि किसी ने अपने आप को अनम्यूट छोड़ रखा है या गलती से अनम्यूट रह गए हैं तो कृपया म्यूट कर लीजिए। आइए तो हम आज 9वें श्लोक से देखेंगे। 8वें श्लोक को एक बार दोहरा लेते हैं कि वहाँ पर क्या चर्चा आ रही थी, जिससे एक प्रवाह हमारा निरंतर बन जाएगा। तो 8वां श्लोक था, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नम् रिद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थात निश्चय से ही नहीं प्रपश्यामि, देखता हूँ, मम क्या मेरा, अपनुद्यात दूर कर सके, यत जो शोकम, कौन सा शोक, तो उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ऐसा पदच्छेद होगा जो इंद्रियों को सुखा देने वाला है, अवाप्य प्राप्त करके, भूमौ, ये जो भूमा वसपत्नम रिद्धम है इसको पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भूमौ असपत्नम रिद्धम, ऐसा। तो भूमौ अर्थात भूमि पर सप्तमी विभक्ति है, असपत्नम शत्रु विहीन, रिद्धम समृद्ध, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, अर्थात राज्य सुराणाम बोले तो देवताओं का अपि चाहे भी आधिपत्यम सर्वोच्चता। सीधे सीधे यदि अर्थ देखें तो मुझे को ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन की योग्यता देख सकते हैं, अर्जुन मोहग्रस्त हो रहा है, यहाँ पर उसको एक अलग स्थिति उसके ऊपर छा रही है, किंतु ऐसी स्थिति में भी उसको ये बोध हो रहा है कि सब मेरी इंद्रियाँ शिथिल हो रही हैं, सूख रही हैं, मान कहते हैं ना कि मेरा तो गला प्यास के मारे सूख गया। इंद्रियां सूखने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे वृक्ष की डाली सूख जाए, है ना, या वस्त्र गीले होते हैं तो वो धूप में डालने से सूख जाते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर दूसरे में अर्थ में देखेंगे, अभिधा अर्थ नहीं लेंगे, तो इंद्रियां सुखा देने का अर्थ क्या है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कर्म इंद्रियां भी और ज्ञान इंद्रियां, और यदि इंद्रियां ही शिथिल हो गई तो कर्म कैसे करे मनुष्य। वो तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई साधन मुझे नहीं दिख रहा स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह, कि जिस प्रकार से स्वर्ग, यहाँ पर भी स्वर्ग का प्रयोग है, स्वर्ग किसे कहते हैं, जहाँ वेद वेदानुकूल आर्ष शास्त्रों के अनुसार जीवन जिया जाता है, सारी की सारी व्यवस्थाएं, राज्य परिवार सामाजिक व्यवस्थाएं, अर्थात विद्या चिकित्सा, ये समस्त क्रियाएं, मानव जीवन के समस्त व्यवहार जहां वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार जहां रहते हों, जिनका आधिक्य हो, वो कोई भी स्थान हो, वो सभी स्वर्ग हैं। वो कोई गुरुकुल भी हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, या गांव नहीं कोई शहर हो सकता है, गांव में या शहर में कोई एक कॉलोनी हो सकती है, कोई एक सेक्टर हो सकता है, ठीक है, जहां पर मनुष्य की समस्त क्रियाएं अथवा व्यवहार वैदिक वाङ्मय के अनुसार होता हो वही स्वर्ग है। ये वैदिक दृष्टि से यदि देखें तो उस रूप में स्वर्ग, तो कह रहे हैं कि भाई जहां पर ऐसे लोग, अब स्वर्ग में कौन रहेंगे, राक्षस तो नहीं रहेंगे, अब देव लोग ही रहेंगे। देवता किसे कहते हैं,
तो देने वाला देवता होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, जड़ भी होते हैं और चेतन भी होते हैं। चेतन देवता कौन कौन से होते हैं? तो माता पिता गुरु आचार्य, हमसे बड़े जो हमारे ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ बोले तो जिसको हम अपना सीनियर भी बोल देते हैं। गुरुकुलीय परिपाठी में देखे तो जैसे कहते ना कि ये मेरे ज्येष्ठ हैं, मैं इनका अनुज हूँ, यानी ये मेरे बड़े हैं और मैं इनका छोटा हूँ, ठीक है, कनिष्ठ भी बोल दिया जाता है छोटे के लिए। तो उस रूप में क्या कह रहे हैं, देवता अर्थात जो देने वाला। तो ये तो चेतन देव, जड़ देव कौन से होते हैं? तो देखो भूमि, ये पूरी पृथ्वी जड़ है लेकिन देवता है, देती है, देवी कह लीजिए इसको चाहे, और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये और तो और आपका घर, आपके हाथ में जो मोबाइल है ये भी जड़ देवता है, देता है आपको, ठीक है। तो देवता शब्द को दो रूप में देखा जाता है, देवता यानी देने वाला, जो देता हो वो। अब हम जिसका संग जितना करते हैं, हमारी प्रवृत्ति, हमारी बुद्धि का विकास उसी प्रकार का होता है। यदि हम चेतन देवों का संग अधिक करेंगे तो बुद्धि में चेतना आएगी, और यदि हम जड़ देवों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि में जड़ता आएगी। जड़ता के लिए एक शब्द यदि दूसरा हम कहें आपको तो मूढ़ता, उस रूप में। तो यहां क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह, कि जिस जहां पर वैदिक विद्वान और वैदिक व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग और जहां पर जिनका राज्य हो, उनकी तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्थात अपनी अंतिम सीमा बता रहे हैं कि यदि मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य भी, निष्कंटक राज्य मिल जाए, तब भी मेरा यह शोक दूर नहीं हो सकता। इतनी बात अर्जुन कह रहे हैं उनसे, किस बात पर? जब श्री कृष्ण जी ने दो श्लोक यहां तक कहे थे ना, सबसे पहला श्लोक कौन सा कहा था? सबसे पहला श्लोक जिसमें इन्होंने कहा था, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, कि अर्जुन कुतः त्वा, कहां से तुमको, कह मलम इदम, कश्मलम इदम, ऐसा हो जाएगा, पदच्छेद करेंगे तो कह मलम इदम, कौन सा मलम, कौन सा अज्ञान इदम यह विषमे सम उपस्थितम, विपरीत परिस्थिति में कहां से तुझे उपस्थित हुआ, और ये क्या है, अनार्य जुष्टम, ये जो आचरण तुम्हारा है ये तो अनार्यों का होता है, अस्वर्ग्यम तुम्हारे सुखों का क्षय करने वाला है, उनको भी घटा देने वाला है, अकीर्तिकरम तुम्हारे यश का नाश करने वाला है, अर्जुन हे अर्जुन। और इसके आगे एक और श्लोक कहा था, गीता का सार में अभी एक श्लोक आया है, दूसरा श्लोक है गीता के सार में, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ पार्थ नई तत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उठने के लिए कहा जाता उत्तिष्ठ। तो यहां पर कहा था कि हे प्रथा के पुत्र, हे पार्थ, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, मास्मगमः पार्थ क्लैब्यम, तुम्हें यह शोभा नहीं देती, त्वयी उपपद्यते न एतत् त्वयी उपपद्यते, ऐसा तुम्हें यह शोभा नहीं देती, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तुम्हारी क्षुद्रता है, हृदय की दुर्बलता है, ये क्षुद्रता, इसको क्या करो, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ परंतपा, कि हे शत्रु संहारक उठो, इसको त्याग करके उठो। तो यहां तक दो श्लोक आए हैं जिसको गीता का सार हम कहेंगे। आइए आगे देखते हैं नौवां श्लोक दूसरे अध्याय का, और आज हम श्लोक बोलेंगे और उन श्लोकों पर चर्चा हम सभी मिलकर के करेंगे, ठीक है। तो नौवां श्लोक है, संजय कह रहे हैं, एवं उक्त्वा हृषीकेशम गुड़ाकेशः परम तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय उवाच, संजय ने कहा, क्या कहा, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, हृषीकेशम, और दो शब्द हैं यहां पर,
साथ साथ हृषिकेशम और गुड़ाकेशम दोनों शब्दों को ध्यान से समझ लीजिए। इन लोगों के इतने नाम क्यों होते थे, और आज वर्तमान में यदि किसी के दो नाम भी हो जाएं तो कई बार हम ऐसा कह देते हैं, अरे कितने नाम रखोगे, एक ही रहने दो। तो देखो ये वस्तुतः नाम इनका ऐसा नहीं है कि इनके इतने सारे नाम होते थे, ये इनकी योग्यताएं हैं और इनकी योग्यताओं के लिए एक शब्द दिया गया ऋषिकेश। इसका अर्थ क्या है, जो इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उन्हें कहते हैं ऋषिकेश। आज इस ऋषि का विकृत स्वरूप है, उत्तराखंड में एक स्थान है ऋषिकेश, और वहां पर जाकर के देखें तो इंद्रियों के स्वामित्व वाली बात नहीं मिलेगी, वहां पर अनेकों प्रकार के ना जाने क्या क्या स्थितियां मिल जाएंगी आपको। तो वस्तुतः वो शब्द शुद्ध क्या है, हरि, एच आर आई, और ह अक्षर जो है उसमें एच जो वर्ड है वो साइलेंट हो जाता है, लेकिन आज एच को हटा करके सीधा सीधा इंग्लिश में भी उन्होंने क्या कर दिया, आर आई एस एच आई, ऋषि बना दिया केवल। मूल स्वरूप क्या था, ऋषि, जैसे हृदय ऐसे ही ऋषिकेश, कि जिसका अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर स्वामित्व हो वो है ऋषिकेश। तो ये किसके लिए संबोधन है, ये कृष्ण के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है। आगे है गुड़ाकेश, गुड़ाकेश कहते हैं जो अपने अज्ञान को मिटाने वाला, अर्थात जिसके जिसने ऐसी योग्यता अर्जित कर ली हो कि जो अपने अज्ञान को दूर कर सकने में सफल हुआ। अब अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सामान्य स्तर पर और एक चित्त के स्तर पर, यूं कह लीजिए एक जानकारियों के स्तर पर और एक ज्ञान के स्तर पर। जो हम सब लोगों को अधिकांश है वो जानकारियां हैं, ठीक ठीक जानकारियां, उसको ठीक ठीक मानिए, उसको आप ये कह लीजिए वो हमारी विद्या है। लेकिन ज्ञान कब बनता है, ज्ञान वो तब होता है जब हमारे आचरण में आ जाता है, जब हम उसको प्रत्यक्षात्मकम ज्ञानम, जब हम उसको प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो गुड़ाकेश अर्थात अपने ज्ञान को, अपने अज्ञान को जो हटा सका हो, हटाने की योग्यता जिसने पाई हो। दूसरा अर्थ देखेंगे गुड़ाकेश का, जो अपनी निद्रा को भी अपने वश में कर चुका, और निद्रा को वश में वही कर सकता है जिसका मन उसके वश में हो, और मन को वश में वही कर सकता है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, और इंद्रियों को वश में वही कर सकता है जो वास्तव में योग की अच्छी स्थितियों को भी जानता हो। ठीक है, परंतपा, परंतपा का अर्थ हम कर ही चुके थे कि जो शत्रुओं का दमन करने वाला है, उनका वध करने वाला है, संहार करने वाला। नायोत्स्य गोविंदम, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति ऐसा कहकर तूष्णीम बभूवः, चुप हो गया। अश्विन जी कृपया म्यूट कर लीजिए, आपका कोई प्रश्न है तो बाद में ले लेंगे हम। तो आप शायद अश्विन जी तक हमारी बात नहीं जा रही थी। हाँ, तो कह रहे हैं इसका आप सीधे अर्थ देखते हैं। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला गुड़ाकेश, अर्जुन का एक नाम यहाँ पर क्या कहेंगे, गुड़ाकेश या परंतप, अर्जुन कृष्ण से बोला, कौन से कृष्ण से, ऋषिकेश जिनको कहा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, ना योत्से गोविंदम, ना योत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और क्या हो गया, तूष्णीम बभूव, हाँ, और निश्चय ही बिल्कुल चुप हो गया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक ऐसे ही हम अपने उस पर भी देख सकते हैं कि भाई हम भी कई बार क्या कह देते हैं, स्थितियों का आगे घुटने टेक देते हैं कि ना मेरे बस की बात नहीं, ना योत्से गोविंदम, ना योत्से गोविंदम, है ना, इस प्रकार से हम भी कई बार घुटने टेक देते हैं जहाँ हमारे सामने विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं, उस रूप में देख सकते हैं। दसवां श्लोक देखते हैं, तम वाच ऋषिकेश प्रहसनिव
प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदंतमिदं वचः। क्या कह रहे हैं? तम उवाच, उसको कहा, किसने कहा? ऋषिकेश, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, किस प्रकार से कहा? प्रहसन इव, मंद मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा। इतनी बातें सुनने के बाद भी, और जबकि कृष्ण को, कृष्ण जी को भी पता है कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो पांडवों की ओर से फिर युद्ध करेगा कौन? यद्यपि अन्य भी सभी क्षत्रिय हैं, लेकिन इस युद्ध का जो सबसे अधिक केंद्र बिंदु माना गया, अर्जुन को माना गया। इतना सुनने के बाद भी, और एक पीछे दो श्लोक कहने के बाद भी कि क्लैब्यम मास्म गमः, और इससे पूर्व वाले श्लोक में क्या कहा था, कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, इन दोनों श्लोकों को कहने के बाद भी उन्हें क्रोध नहीं है। ये उनका एक लक्षण है कि उनकी स्थिति योग में वास्तव में थी या नहीं। तो क्या कह रहे हैं? प्रहसन इव, मंद मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कान के साथ, भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये संबोधन संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के लिए कहा गया। और ये जो बात कह रहे हैं, ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं, नहीं क्षमा चाहूंगा, ये बात संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। क्या कह रहे हैं? तम वाच ऋषिकेश, उसको कहा ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने, प्रहसन इव, मंद मंद मुस्कुराते हुए, मंद मुस्कान के साथ, क्या कहा? हे भारत की, हे धृतराष्ट्र, सेनयोह उभयोह मध्ये, पदच्छेद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सेनयोह उभयोह मध्ये विषीदंतम इदं वचः। क्या? कि सेन, दोनों सेनाओं के मध्य बीच में विषीदंतम इदं, शोकमग्न जो अर्जुन है उसके लिए क्या कहा? इदं वचः, यह कहा, यह शब्द कहे। क्या कहे? तो ध्यान से सुनिए, तीसरा श्लोक आ रहा है गीता का सार का। क्या कह रहे हैं? अशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। क्या कह रहे हैं? अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अन्व शोच, शोक करते हो तुम किसके लिए शोक करते हो? जो शोक के योग्य नहीं है, अशोच्यान, ये शोक के योग्य थोड़ी है। देखो, शोक करना चाहिए, किंतु यहां पर एक संदेश मिल रहा है कि जो शोक के योग्य हो। इसको ऐसे लेते हैं जैसे हम समाज में देखते हैं, हमारे माता पिता बंधुगण अपने स्वजन, इनमें से कई लोगों की जब मृत्यु होती है, जब उनका देहांत होता है, तो वास्तव में वो पर्याप्त, उनके प्रति हमारी कोई बहुत अधिक विशेष सहानुभूति नहीं होती। जैसे मान लो किसी घर की बहू है, तो उसका अपनी सासू माँ के साथ कोई बहुत विशेष नहीं होता। लेकिन यदि उस परिवार में सासू माँ की मृत्यु हो जाए, या उसको दूसरे अर्थ में लेते हैं, कोई पुत्री है, हैं, और उस पुत्री का विवाह हो जाए और उसके परिवार में किसी का देहांत, यानी परिवारों में जब किसी का देहांत होता है और उसके प्रति बहुत विशेष समर्पण आदि आदर के भाव नहीं भी हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो आप समाज में देखते हैं, मतलब इतने तीखे स्वर से, हाय मर गए, लुट गए, ख़त्म हो गए, सब कुछ ही तो बर्बाद हो गया। अच्छा, उससे पहले अगर दो दिन पहले देखें तो आपस में झगड़ रही थी दोनों की दोनों, आपस में झगड़ रहे थे दोनों के दोनों, लेकिन मरने के बाद ऐसे इतना भयंकर तरीके से दिखाते हैं कि अरे, जैसे इनका मानो इस व्यक्ति की, इस आत्मा ने देह त्याग ना किया हो, इसका तो सारा संसार लुट गया हो, ऐसा। तो वास्तविकता देखे तो क्या है, वहाँ पर वो अभिनय कर रहे हैं, वो शोक के योग्य नहीं है उनकी दृष्टि में, किंतु वहाँ पर भी वो शोक कर रहे हैं, ऐसे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अन्व शोच, उनके लिए शोक करते हो तुम। अब बात सुनिए ध्यान से, प्रज्ञा वादांश भाषा से,
तुम्हारी शैली तो पंडितों की है, ज्ञानियों की है, लेकिन बातें तो मूर्खों जैसी कर रहे हो। यानी तुम्हारी जो शैली है ना हे अर्जुन, तुम्हारी शैली जो है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो तो पंडितों ज्ञानियों जैसा है, लेकिन तुम ये बातें मूर्खों जैसी कर रहे हो। गतासु ना गतासूश्च, तो क्या है गतः, जो चले गए हैं, असून क्या, जिन प्राण, असून का अर्थ प्राण, अगत नहीं गए हैं, असून प्राण, अर्थात क्या है आगे, ना अनुशोचंती, ना अनुशोचंती पदच्छेद करेंगे तो ना अनुशोचंती पंडिता, नहीं कभी नहीं अनुशोचंती शोक करते हैं पंडिता विद्वान लोग। अब पूरे कार्य देखते हैं एक बार कि जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, या इसको दूसरे रूप में ऐसे कहें कि जो चले गए हैं और जो अभी नहीं गए हैं, पंडित लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग ना तो जाने वालों का शोक करते हैं और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं गए हैं, अर्थात जाने वाले जा सकते हैं, क्योंकि आगे ये स्वयं कहेंगे कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च इत्यादि, वो आगे बात देखेंगे हम। किंतु यहां पर क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी शैली तो विद्वानों की सी है, तुम्हारे जो वचन है ना वो पंडितों के हैं, ज्ञानियों के हैं, विद्वानों के से वचन है, किंतु यहां पर तुम एक मूर्खता कर रहे हो। और वो क्या मूर्खता है, एक ही श्लोक में उसका उत्तर भी दे रहे हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं, यदि तुम स्वभाव से ऐसे हो तो देखो ना तुम किन के लिए शोक कर रहे हो, जो शोक के योग्य ही नहीं है, जिनको तुम बंधु बांधव आचार्य आदि कह रहे हो, ये तो शोक के योग्य ही नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न बन सकता है कि क्या आचार्य द्रोण शोक के योग्य नहीं है, क्या पितामह भीष्म शोक के योग्य नहीं है, क्या आचार्य कृप जो कुलगुरु हैं क्या वो शोक के योग्य नहीं है। चलो दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को, इन लोगों को लिया जा सकता है कि चलो ये तो शोक के योग्य नहीं है, किंतु क्या ये आदरणीय लोग भी शोक के योग्य नहीं है, ये एक प्रश्न यहां पर बन सकता है। तो उसके लिए कृष्ण जी कह रहे हैं कि ना तुम यहां पर यही तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारा दोष ये है कि तुम्हारी शैली जानियों की, पर तुम दोष ये कर रहे हो कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। और एक और बात इसी बात को बढ़ाते हो, अगली बात और कह रहे हैं इससे उच्च, कि देखो जो विद्वान लोग होते हैं वो ना तो जाने वालों के लिए शोक करते हैं और जो नहीं गए हैं ना उनके लिए शोक करते हैं, यानी वो शोक रहित रहते हैं जो ज्ञानी होते हैं। अब पहली वाली बात का उत्तर मिल जाएगा कि शोक के योग्य होते हैं तो जो यो शोक के योग्य होते हैं उनका भी शोक कौन करता है, जो ज्ञानी होते हैं वो शोक तो कदापि नहीं करते। अब ऐसे लेंगे इसको, बात समझ में आई, यानी शोक करना किन लोगों का काम है, ज्ञानियों का तो कदापि नहीं है, विद्वान तो किसी भी दशा में शोक करेगा ही नहीं। क्यों, तो आगे उत्तर आएगा इसका, आगे वहीं पर देखेंगे क्यों कह रहा हूं इस बात को, आगे भगवान कृष्ण स्वयं बताएंगे। 12वां श्लोक देखिए, यहां तक ठीक है, किसी को कोई शंका, कोई ऐसा तो नहीं कुछ समझ ना आया हो, आगे चला जाए। जी बोलिए। सभी को नमस्ते। इसमें मुझे भी एक बात रखनी है जो मुझे समझ आई, जैसे इन्होंने कहा कि जो शोक के योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, इसको वर्तमान परिस्थिति से कैसे जोड़ करके देखें। प्रायः हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे रिलेशन में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सभी के साथ ये चीज़ें चलती हैं कि वो बेशक हमारे उनके साथ रक्त संबंध है या किसी भी प्रकार का उनके साथ हमारा संबंध है, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पे है, वो कई इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जो मानवता के लिए ठीक नहीं है या जो समाज के लिए ठीक नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, इस प्रकार के कार्यों में वो संलग्न होते हैं और हम सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ जान रहे होते हैं, किंतु फिर भी हमारा उनके साथ चूँकि संबंध है, चूँकि हमारा उनके साथ राग है, मोह है, इसके कारण से हम वहाँ पर मौन रह जाते हैं।
हम उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते, हम उनका विरोध नहीं करते, हम उनको वो कार्य करने से नहीं रोकते, तो मोह ही होता है हमारा उनके प्रति। लेकिन गीता की ये बात यदि इसको हम लोग सदैव पढ़ें, इसको ठीक से समझें, बालपन से ही हमें ये बात सिखाई जाए, तो हमें पक्षपात वाला जो ये एक व्यवहार देखने को मिलता है समाज में, इससे छुट्टी हो सकती है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी बड़े अधिकारी का पुत्र यदि वो किसी गलत कार्य में संलग्न पाया जाता है, तो वो अधिकारी सबसे पहले अपने पुत्र को वहाँ से छुड़ाता है, और फिर यही पुत्र आगे चल करके उसी अधिकारी की सारी संपत्ति और सभी व्यवस्थाओं को नष्ट करने में पूरी तरह से एक माध्यम का कार्य करता है। तो अगर गीता की इन शिक्षाओं को समझ करके, जान करके हम अपने आचरण में, व्यवहार में लाए, तो एक बहुत ही सुंदर समाज की रचना की जा सकती है। जैसा कि उन्होंने अर्जुन को बोला कि ठीक है, वो आपके आचार्य हैं, वो आपके पितामह हैं, बहुत अधिक गुणवान हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, किंतु अभी वो कहाँ पे खड़े हैं? अभी वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और ये अधर्म एक ऐसी स्थिति है जो बड़े से बड़े गुणवान व्यक्ति को धूल बना देता है, उसके सभी गुणों पे बस एक अधर्म का पक्ष, यही दुर्गुण भारी है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सामाजिक स्तर क्या रखता है, शारीरिक स्तर क्या रखता है, मानसिक स्तर क्या रखता है, लेकिन यदि उसकी दृष्टि यानी वो अपने उस पूरे सामर्थ्य को धर्म से हटा करके अधर्म के पक्ष में ले जा करके खड़ा कर देता है, तो वो उतनी ही गति से अधर्म को पोषित करेगा जितनी उसकी योग्यता है। तो इसलिए जो अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के लिए लड़ रहा है, जिसने धर्म का त्याग कर दिया है, वो व्यक्ति किसी भी दृष्टि से शोक करने के योग्य नहीं है। वो हर दृष्टि से दंड का ही पात्र है, उसे रोका ही जाना चाहिए, उसका विरोध किया ही जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी गुणी क्यों ना हो। ऐसा इस श्लोक से मुझे समझ आया, और ये बात मैंने आपके सामने भी रखना ठीक समझा। बहुत सुंदर। तो 12वां श्लोक देखते हैं, इसमें आगे हमें एक और बात मिले, नहीं इसमें नहीं मिलेगी, उसमें महाभारत में एक बात आती है कि दुर्योधन को भी आप बहुत निकृष्ट पात्र मत लीजिए। मैं एक बात कहता हूँ, यद्यपि मुझे श्री कृष्ण जो पात्र हैं मेरे सबसे प्रिय पात्र हैं, यानी मैं कहता हूँ कि यदि मुझे ये कहा जाए कि अब यमराज मृत्यु को लेकर के आगे कि देखो ये मृत्यु है और तुम्हारे प्राण ये ले जाने वाले हैं, बताओ तुम्हें 5 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं उनसे एक बात कहूँगा बस कि मुझे 5 सेकंड के लिए श्री कृष्ण जी का जीवन चाहिए बस। यानी मेरे बहुत अधिक रोल मॉडल कह लीजिए, आइकॉन कह लीजिए, मेरे बहुत प्रिय पात्र, क्योंकि उनका आचरण मुझे इतना मधुर लगता है, बहुत ही सुंदर नीति, व्यक्ति को जहाँ जिसको कभी कोई पथ नहीं दिखता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया, नीति वहाँ पर एक ऐसा कार्य करती है कि जहाँ बिल्कुल सामने बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है कि यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं सकता, नीति वहाँ पर भी मार्ग खोज लेती है। तो कृष्ण का अर्थात, कृष्ण कहने का तात्पर्य नीति, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण जी को नीतिवान, सबसे पहले यदि मैं उनको कुछ मानता हूँ तो उनकी नीतियों के कारण मेरा उनके प्रति स्नेह है, उनके प्रति मेरा झुकाव है। तो कृष्ण जी का तात्पर्य यहाँ पर नीति। तो आगे इसमें तो नहीं है, लेकिन महाभारत में एक बात आती है कि जब कृष्ण जी पूछते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन जानते तो तुम भी हो धर्म अधर्म क्या है, पितामह भीष्म से भी के सामने भी ये बात आती है, आचार्य द्रोण के सामने भी बात आती है, तो आचार्य द्रोण कहते हैं कि भाई मैं चूंकि इनसे वेतन पाता हूँ, चूंकि मेरा परिवार, मेरा भोजन आदि सब राज परिवार से चलता है, इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अच्छा, पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि भाई मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूं। अब बचते हैं दुर्योधन, तो दुर्योधन से जब पूछा जाता है तो दुर्योधन एक बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, और ये उत्तर हम सभी पर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लागू होता है। वो कहते हैं जानामि धर्मम कि हे केशव, जानामि धर्मम, मैं धर्म को भली भांति जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति,
लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। बहुत अच्छे से जानता हूँ कि धर्म क्या है, बहुत अच्छे से भली भांति समझता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और अगली पंक्ति बहुत सुंदर है, वो कहते हैं जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, कि मैं अधर्म को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इस समय अधर्म की ओर खड़ा हूँ, लेकिन न च मे निवृत्ति, लेकिन इससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, मैं भी विवश हूँ। तो हम सभी प्रायः, मैं तो अपने आप को देखता ही हूँ, अनेकों स्थानों पर जब हम अपना अवलोकन करेंगे तो बिल्कुल हम पाएंगे कि इस समय हम दुर्योधन रूपी पात्र में, अर्थात इस समय हमारी जो अवस्था है वो दुर्योधन की सी है, कि जानते हैं कि धर्म ये है लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो रही, जानते हैं कि ये अधर्म है लेकिन उससे छूट नहीं पा रहे हैं, निवृत्ति अर्थात उससे छूटना, उससे पृथक हो जाना। अस्तु, बारवां श्लोक देखते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम मतः परम। क्या कह रहे हैं, पिछले वाली बात थी ना, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर कहा था ना गतासु न गतासूंश्च, इस बात को अब इस श्लोक में कह रहे हैं। किसी ग्रंथ की एक बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है, यदि कभी आपका ध्यान जाए तो, जो व्याकरण आदि को जानते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को थोड़ा देखा है, तो एक बात वहां पर चलती है अनुवृत्ति या अधिकार। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जिस दिन आपको इसका बोध होगा ना, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी आपको। ये अनुवृत्ति या अधिकार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक विषय उठा लिया जाए और उस विषय की एक बात पहले श्लोक में या दूसरे श्लोक में या दूसरे सूत्र में कह दी, ठीक है, अब उसी बात को, उसी बात से संबंधित जो आगे और स्पष्टता कहेंगे, अब उस बात को बार बार नहीं लिखेंगे, उसी से मिलते जुलते, उसी को स्पष्ट करते हुए आगे श्लोक या सूत्र आदि रचते चले जाएंगे, और उसमें विद्वान लोग या हमें स्वयं देखना होगा कि इस बात की अनुवृत्ति अथवा अधिकार कहां तक जा रहा है। तो ठीक इसमें देखिए, ये जो गतासु न गतासूंश्च, इसकी अनुवृत्ति या इसका अधिकार इस श्लोक में भी आ रहा है। क्या है, तो न तू एवं अहम त्वेवाहम, ऐसा हो गया तू एवं अहम, पदच्छेद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा त्वेवाहम, तू एवं अहम जातु, नहीं निश्चय ही मैं जातु किसी काल में, क्या न नहीं आसम था नासम न आसम, ऐसा अर्थात इसका अर्थ देख लेते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब मैं नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब तुम नहीं थे, अथवा न च इव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम जनाधिपाः, जनाधिपाः अर्थात ये जितने भी राजा आदि लोग हैं इनको यदि देखेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं था कि ये जब कभी नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि ये जब कभी नहीं होंगे। क्या अर्थ है, अब देखिए, ये जो पिछली मैंने बात कही थी ना कि शोक विद्वान लोग नहीं करते, चाहे जाए कोई या चाहे रहे, विद्वान लोग तो किसी भी दशा में शोक नहीं करते, क्यों, तो इसका कारण बताता हूं। यहां से समझने का हम यत्न करते हैं, बता तो भगवान जी ने दिया, ऐसा कभी नहीं था कि जो अभी हमारे मध्य हैं और जो चले गए हैं वो कभी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, और आगे आने वाले समय में नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो जो थे भी, जो हैं भी और जो होंगे भी, फिर उनके लिए शोक कैसा। अब यदि कहो कि शरीर के लिए, तो शरीर के लिए शोक तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लो आपने एक सुंदर सा अपने लिए मान लो कोई ड्रेस आपने बनाई अपने लिए, कोई सुंदर से वस्त्र आपने अपने लिए खरीदे या बनवाए, अब उनको खूब मन से खूब अच्छी रुचि के साथ पहना, और एक समय ऐसा आया वो घिस गए, पुराने हो गए हैं और वो फट गए,
अब वस्त्रों के विनाश का, यानी वस्त्र जो वो फट गए हैं, वो जो घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं, अब जब आप उनको त्यागते हो, क्या कभी रोते हो क्या? क्या शोक करते हो क्या? तो उत्तर देते हैं नहीं। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही आत्मा के लिए भी ये वस्त्र ही तो हैं। तो भाई जो आत्मा है वो तो पहले भी था, आज भी और आगे भी होंगे। ऐसा कभी नहीं था कि ये कल नहीं थे या आज नहीं है या आने वाले कल में नहीं होंगे, ये सदैव रहेंगे। तो यहाँ पर शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। और यदि तुम कहो कि शरीर के लिए शोक करते हो, तो भाई वस्त्र के लिए शोक कौन करता है? कोई शोक नहीं करता। अर्थात तो वस्त्र चूंकि शोक करने के योग्य है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको आप वस्त्र कह रहे हो, ये कपास के तंतुओं से मिलकर के बना है, ठीक है? और कपास का अभाव, ऐसा नहीं है कि कपास का अभाव हो जाएगा यदि ये वस्त्र। और यदि इस वस्त्र को आप भूमि में दबा दोगे या जला दोगे, तो पूरी तरह उसका अभाव नहीं होगा। आगे एक श्लोक आएगा, ना विद्यते भावो, इस प्रकार से करके एक श्लोक आएगा, वहाँ पर स्पष्ट होगा आपको ये बात। तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरी तरह से अभाव नहीं होता किसी पदार्थ का। जिस शरीर को, जिस देह को, जिसमें से चेतना उस देह को त्याग कर चली गई है या आत्मा चला गया है, उस शरीर को जब आप दहन कर रहे हो अथवा भूमि में दबा रहे हो, जिसकी जो परंपराएं हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई ये अभाव नहीं होगा इसका भी, ये भी अपने मूल मूल जिससे मिलकर के ये बने थे उन सब में चला जाएगा। बस स्वरूप परिवर्तित होता है। शरीर का जब दहन होता है तो शरीर भी नष्ट नहीं होता। हमें ऐसा लगता है अरे अग्नि ने तो सब कुछ समाप्त कर दिया, ना। जब और अधिक हम विज्ञान को पढ़ेंगे, वास्तविक भौतिक विज्ञान को यदि हम जानने का प्रयास करेंगे, तो हमें एक बात स्पष्ट होगी कि जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता, और जो वस्तु नहीं है वो कभी वस्तु नहीं होती। अर्थात पंचभूतों से, पांच तत्वों से मिलकर के ये शरीर, ये देह बनी है। तो ये अग्नि के पास एक ऐसा सामर्थ्य है, अग्निर्वई देवो मुखम, एक बात भी कहा है कि अग्नि जो है वो समस्त देवों का मुख है। तो पंचभूत कौन कौन से हैं? ये अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश आदि, इन्हीं को पंचभूत तो कहते हैं। तो इन सभी का मुख है अग्नि। अब मुख क्या करता है? पेट तक पहुंचा देता है। तो जब अग्नि मुख है तो किस तक पहुंचा देगा? ये जो पांचों भूत हैं इन तक पहुंचा देगा। तो उसी बात को कह रहे हैं कि भाई यदि तुम वस्त्र अर्थात शरीर, इन देह के विनाश के लिए शोक करते हो, तो ये भी शोक करने योग्य नहीं है, ठीक है? अर्थात ये ऐसा कभी नहीं था कि जिन लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो ये कभी नहीं थे, ऐसा भी नहीं था, और आगे नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं। जनाधिपाह, जनह अधिपाह, ऐसा पदच्छेद करेंगे, ठीक है जी? तो 12वां श्लोक कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त जो राजा लोग हैं, ये जितने भी आपकी तरफ से या इनकी तरफ से जो भी लोग खड़े हैं, ये कभी नहीं थे, ऐसा भी नहीं, और आगे आने वाले समयों में नहीं होंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, एक और बात कह सकते हैं यहां पर, एक और बात देखिए, केवल अर्जुन ऐसा नहीं है कि दुर्योधन के पक्ष में जो भी लोग युद्ध करे थे उनको लेकर के शोक मग्न थे, ना। ये पिछले वाले श्लोक में एक बात देखी थी आपने कि जब राज्य होगा तो वो रक्त से सना होगा। इन लोगों के, किन लोगों के? कि भाई जब युद्ध करेंगे तो दोनों ही ओर से लोग मारे जाएंगे। केवल अर्जुन इसलिए भी चिंतित नहीं थे कि उस ओर से लोग मारे जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि दुर्योधन के पक्ष की ओर से जो युद्ध करे थे उनको लेकर के अर्जुन के मन में संशय था, ना। केवल उनको लेकर के नहीं था, जब युद्ध करते हैं तो हत्याएं तो दोनों ओर से होती हैं, वीरगति को प्राप्त तो दोनों ही ओर के योद्धा होते हैं। तो उस बात को केंद्र बना करके कह रहे थे अर्जुन कि ये जो राज्य और ये जो सुख होगा ना, ये इन सब लोगों के रक्त से सना हुआ होगा, ठीक है? चलिए 13वां श्लोक देख लेते हैं। समय कितना हो गया आज? 7:41। चलिए अभी 9 मिनट हैं, तो 13वें श्लोक को देखते हैं। कह रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति अर्थात मोह को प्राप्त होना।
मुह्यति, इस प्रकार से रूप चलेंगे, मुह्यति मुह्यतः मुह्यन्ति। तो क्या कह रहे हैं, देहिनः, जो ये शरीरधारी है ना, अस्मिन्, इसमें, यथा जैसे, देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे इन शरीरधारियों के शरीर में देखेंगे तो क्या है, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवनावस्था अर्थात तारुण्यावस्था है, किशोर और यौवन दोनों को ले तो युवावस्था कह लीजिए, और जरा अर्थात वृद्धावस्था। तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति ही, शरीर के स्थानांतरण की उपलब्धि है। स्थानांतरण समझते हैं, परिवर्तन, जैसे कहते हैं ना, वो वस्तु वहां से स्थानांतरित कर दी गई, या उस व्यक्ति को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर जिसको बोलते हैं। ट्रांसफर शब्द तो सुना है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कहते हैं ना कि मेरा ट्रांसफर वहां कर दिया गया, या उस व्यक्ति का कंपनी ने ट्रांसफर वहां कर दिया। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो देहधारी, ये जो शरीरधारी है ना, देहिनः, इसमें आप क्या देखो इन शरीर में, कि देखो पहले तो बाल्यावस्था, तरुणावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, ये तो शरीर के स्थानांतर हैं, ये तो ट्रांसफर हो रहा है शरीर। कैसा, ये तीनों स्थितियां, चारों स्थितियां। धीरह आया ना इसमें, धीरस तत्र, धीरह तत्र न मुह्यति, तो धीर व्यक्ति क्या करता है, तत्र उसमें, तत्र सप्तमी व्यक्ति, उसमें ना मुह्यति, मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मोह नहीं करता। अब देखो उसका अर्थ देख लेते हैं कि भाई ये जो देहधारी, ये जो शरीरधारी आत्माएं हैं, यदि इनको आप देखो तो शरीर की देहांतर प्राप्ति है, ट्रांसफर ही तो हो रहा है भाई, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से यौवनावस्था में, युवावस्था में, और युवावस्था से प्रौढ़ता में, और प्रौढ़ता से वृद्धता में, और वृद्धावस्था से मृत्यु। तो ये जो आप देख रहे हो, ये तो देहांतर प्राप्ति है, ये तो स्थानांतरण है, ये तो ट्रांसफर है। तो क्या धीरह तत्र न मुह्यति, कि जो धीर लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की है अर्जुन, फिर तुम्हें मोह क्यों हो रहा है भाई। तो धीरह, धीरा अर्थ, धीरा शब्द का अर्थ यहां पर क्या करेंगे, केवल धैर्यशाली कौन होता है, जिसके पास ज्ञान होता है वो, या जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो, बताओ जरा उत्तर दो, धैर्यवान कौन हो सकता है, है ना, विद्या होती है जिसके, बिल्कुल। इस शब्द का शुद्ध उच्चारण ज्ञान है, ज्ञान, आधा ज, इया और अ, इन तीन अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बना है, व्याकरण की दृष्टि से बता रहा हूं, ज्ञान। तो इस शब्द को हम पूरा उच्चारण करेंगे तो ज्ञान, ऐसा। तो जिसके पास ज्ञान होता है वही भेद कर पाता है, किसमें, आगे देखेंगे, सुख में और दुख में, क्योंकि शांति उसी को मिल पाती है कि जो सुख और दुख में भेद कर पाए, और ये भेद कौन कर पाता है, जो ज्ञानी, और जो ज्ञानी है वही धैर्यवान हो सकता है, वही धैर्यवान होता है। अब इसमें भी दो स्थितियां देख सकते हैं, आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिसने इस जीवन में कोई विद्या नहीं पढ़ी, उसने कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया, लेकिन बड़ा धैर्यवान है। तब आपको, आचार्य जी आपने तो कहा था, लेकिन देखो इस व्यक्ति ने, ये तो व्यक्ति मलेच्छ है, या ये व्यक्ति तो उस समुदाय का है, इनका तो ज्ञान विद्या से कोई दूर दूर तक नाता नहीं, लेकिन देखो कितना धैर्यवान है। तो उसका एक ये समाधान है, इस जन्म में ही तो उसने विद्या आदि नहीं ली। आप ये कैसे कह सकते हो कि पिछले जन्म में उसके चित्त में इस ये संस्कार नहीं, पिछले जन्म में उसने विद्या आदि नहीं ली होगी, बात समझ रहे हैं। अलग बात है कि वो व्यक्ति नहीं मानता पुनर्जन्म को, लेकिन इस संसार में यदि देखें तो ऊंच नीच, कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत धनवान है, कोई बड़ा निर्धन है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, एक ही माता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, लेकिन प्रत्येक संतान की अलग अलग स्थितियां हैं। इन सबको देख करके ये तो बोध सभी को होता है, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये जो विभिन्नता है, इस विभिन्नता का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए।
पुनर्जन्म को जो नहीं भी मानता वो भी इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हाँ ये जो इस प्रकार की विभिन्नता है इसका कोई मूल कारण तो जरूर है, क्योंकि परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड इन सब को वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वो शुद्ध न्याय करने वाला है। हालांकि जो इस्लाम है, इस्लाम ये कहता है कि वो न्यायकारी भी है और वो क्षमा करने वाला भी है ना। पूरे दिन कुछ भी करो और शाम को अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, तीन बार तौबा कर लो तो अल्लाह सब कुछ माफ़ कर देता है। यानी जो न्याय करने वाला हो वो क्षमा, यानी दोषों को, यानी दोषी को दंड ना दे। क्षमा करने का मतलब क्या होता है, माफ़ करने का मतलब क्या होता है, अपराधी को उसके अपराध का दंड ना दे करके उसको छोड़ दिया, उसको बिल्कुल क्या कर देना, उसको दंड ना देना, बिना दंड दिए, बिना दंडित किए उसको बिल्कुल छोड़ देना, मुक्त कर देना उस। इसको वो अल्लाह की दयालुता मानते हैं। और हमारे भी अपने लोग भगवान की दया मानते हैं कि भगवान तो बड़ा दयालु है, क्योंकि वो एक प्रश्न उठाते हैं, बोले यदि न्याय करे तो दया नहीं रहेगी और यदि दया करे तो न्याय नहीं होगा। बात समझ रहे, बड़ी मुख्य बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि यदि भगवान न्याय करे तो दया नहीं रहती, क्योंकि न्याय शब्द का अर्थ क्या है, न्यायकारी कौन हो सकता है, जिसने जितना जैसा कर्म किया हो उसको उतना ही बिल्कुल ठीक ठीक शुद्ध न्यायपूर्वक उसको वैसा ही फल देना। अब यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा, बताओ तो जरा उत्तर दो। बिल्कुल भाई, जिसने अपराध किया है, जिसने अनुचित या अनैतिक कर्म किया है तो उसको तो दंड ही मिलना चाहिए, ये आवश्यक है और यही न्याय की मांग है, न्याय का आरंभ ही यहां से होता है। अच्छा दया क्या है फिर, तो जैसा समाज में प्रचलित है अपने शब्दों में ले तो दया और इस्लाम के शब्दों में ले तो माफी। अब दोनों को समझ लो ध्यान से और किसी से भी चर्चा करो तो इस बात को उनके सामने भी रखना यदि अवसर मिले तो। देखो ये अपनी भाषा में, आर्य भाषा में क्षमा या दया कहें, उनकी भाषा में, फारसी में माफी कहें, इन दोनों को समझ लो कि माफी और दया और न्याय इनका संबंध क्या है आपस में। न्याय कहते हैं जिसने जैसा जितना कर्म किया उसको ठीक ठीक न्याय अनुसार, अर्थात बिल्कुल ज्यों का त्यों उसको वैसा ही फल प्रदान करना। जिसने देह से किया हो देह के स्तर पर, मन से किया हो मन के स्तर पर और बुद्धि से किया हो तो बुद्धि के स्तर पर, अर्थात जिस आत्मा ने जिस स्तर पर जैसा कर्म किया हो उसको वैसा ही फल प्रदान करना, ये है न्याय। फिर दया क्या है ये ध्यान से समझिए, थोड़ा सा अंतर है बस। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने चोरी की और मैंने चोरी की, मान लीजिए मैंने किसी के 10 रुपये चुराए, नहीं 10 रुपये कम है इसको, ऐसा कहता हूँ मैंने किसी के 10,000 रुपये चुराए तो मैंने चोरी की ना, अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी राज्य व्यवस्था में, किसी शासन में 10,000 रुपये चुराने का दंड है, मान लीजिए 5 वर्ष वो कारागार में रहेगा, बंदी बन करके रहेगा, बद्ध जीवन जिएगा, पराधीन जीवन जिएगा और वहां पर उसको परिश्रम भी करना पड़ेगा, ठीक है, अपने लोगों से दूर रहेगा, अपनी स्थितियों से उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ये उसके लिए दंड है। न्याय और दया क्या है, दोनों को समझा रहा हूं एक ही बात से, एक ही उदाहरण से। मुझे जैसा मैंने कर्म किया था 10,000 रुपये चुराए और मुझे 5 वर्ष की कारागार मिली, ये न्याय है। और यदि मुझे उस कर्म का, उस 10,000 रुपये की चोरी का यदि ये दंड ना दिया जाता तो मैं समाज में यदि खुला रहता तो मैं और चोरी करता और चोरी करता और चोरी करता, अर्थात जब जब मुझे अवसर मिलता मैं तब तब चोरियां करता जाता, अर्थात अपराधी और अपराध करता जाता, उस अपराधी को और अधिक अपराध करने से बचाकर उस अपराधी पर दया है न्याय करके, और उस अपराधी को दंड दे करके जो अपराधी नहीं है अर्थात जो धार्मिक लोग हैं उनकी रक्षा करके उन धार्मिकों पर दया। बात समझ में आई, फिर से एक बार इसको स्पष्ट करता हूं, चोर को दंड दे करके और अधिक अपराध करने से बचा करके, या इसको चोर ना कहकर कैसे लीजिए,
अपराधी को उस अपराध का दंड दे करके और अन्य अपराधों से बचा करके उस पर दया और न्याय दोनों हुए। और ये न्याय करने से अन्य लोगों पर दया कैसे हुई कि उन लोगों को ऐसे अपराधी से बचा लिया, उन लोगों की रक्षा हुई। किनकी? जो अपराधी नहीं है। ये है दया। अपराधी पर भी दया है और जो अपराधी नहीं है उन पर भी दया है। तो न्याय और दया ये दोनों पृथक नहीं है। सबसे बड़ा यदि इस्लाम इस कॉन्सेप्ट को समझ ले तो इस्लाम नाम से जो संसार में इतना बड़ा रक्तपात मच रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप चाहे किसी कितने भी गले काटो, कितने भी लव जिहाद करके लड़कियों को फिर बोरियों में सूटकेस में पैक करके वो जितने भी मिले, लेकिन अल्लाह तो कैसा है, माफ़ी देने वाला है। यदि अल्लाह की दयालुता, भगवान की दया या क्षमा और न्याय, इन दोनों को यदि वो समझ लें अच्छे प्रकार से, तो मैं कहता हूँ इस्लाम से एक बहुत बड़ी गंदगी दूर हो सकती है, या यूं कहूँ कि इस पूरे के पूरे संसार से। 57 देश कब्जा करके बैठे हैं इस समय, 57 देश। इस्लाम के नाम से आप यूट्यूब पर कोई कंटेंट नहीं डाल सकते, और तो छोड़ो इस्लाम की चर्चा करते हो आप यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। इतनी पकड़ है उन लोगों की, इतनी, सोचो। तो वास्तव में दया और न्याय ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो ऐसा प्रश्न उठाते हैं ना कि यदि न्याय करे तो दया खत्म और दया करे तो न्याय खत्म, वास्तव में अज्ञो वही भवति बालः सर्वे जनाः, वो सभी लोग जो कहते हैं कि न्याय करे तो दया खत्म और दया करे तो न्याय नहीं होगा, वो वास्तव में अज्ञानी है और अज्ञानी बालक ही होता है। तो परमात्मा की क्षमा, परमात्मा की दया ये है कि वो अपराधी को दंड दे करके, न्याय करके अपराधी को और अपराध करने से बचा करके उस पर भी दया करता है, और जो अपराधी नहीं है उन पर तो उसकी दया होती है। और एक और बात देखिए जी, नमस्ते राहुल भाई, एक और बात देखिए, परमात्मा की एक और दया बताते हैं। यदि हम इस समाज में देखें, इस संसार में, यदि कोई मान लो किसी ने अपराध किया, वहां पर वो केस चला जाता है कोर्ट में, और ये जो कोर्ट में केस जाता है तो वकील की फीस, जज की फीस, ये शुल्क, आने जाने का शुल्क है ना, साधन का भी तो शुल्क है। अब इन सारों को मिलाकर के कितना खर्च होता है, अर्थात जो मान लो एक ने चोरी की और दूसरे ने उसके ऊपर आरोप लगाया, अब इन दोनों को वहां जाना पड़ेगा न्यायालय में अर्थात कोर्ट में, अब इन दोनों को केस लड़ना पड़ेगा, दोनों केस लड़ेंगे, एक अपराधी है उसको भी लड़ना पड़ेगा और एक अपराधी नहीं है उसको भी लड़ना पड़ेगा। एक को न्याय पाने के लिए कि मैं अपराधी नहीं हूं, उसको देखो कितना कुछ खर्च करना पड़ रहा है, और एक अपराधी है लेकिन वो उससे छूटना चाहता, उसको भी देखो कितना खर्च करना पड़ रहा है। अर्थात एक को न्याय पाने के लिए और एक को अपने अपराध से बचने के लिए दोनों को खर्च करना पड़ रहा है। परमात्मा की दया देखो, जिस जीव ने जितना जैसा कर्म किया हो उसको बिल्कुल वैसा का वैसा जो का क्यों का फल देता है, और एक कोड़ी भी बदले में शुल्क नहीं लेता। इससे महान दया और परमपिता परमात्मा की क्या हो सकती है आदरणीय। और देखो इस आत्मा को मनुष्य शरीर जैसा संसार का सबसे दुर्लभतम साधन प्रदान करता है। इस मनुष्य, इस चेतना के लिए, इस आत्मा के लिए संसार के समस्त पदार्थ, कैसे कैसे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अन्न, जल, फल, फूल, कंद, मूल, वनस्पतियां, औषधियां, झरने, पहाड़, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, और इस चेतना को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इतना सुंदर देह, इतना उत्कृष्ट देह, क्या इनका कोई शुल्क लेता है क्या परमात्मा? सोचो जरा, ये है वास्तव में भगवान की, परमात्मा की दया। तो दया और न्याय को जब हम समझते हैं वास्तव में, तो जिसको कहते हैं ना, एक समाज में एक उक्ति प्रचलित है, अंतः चक्षु खुल जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय तो अत्यंत आवश्यक है। तो क्या कहा, धीरस तत्र न मुह्यति, धीरः तत्र न मुह्यति, अर्थात धीर लोग, ज्ञानी लोग उसमें मोह को
प्राप्त नहीं होते, अर्थात मोहित नहीं होते, मोहग्रस्त नहीं होते। कौन? जो इस बात को जानते हैं, जिनकी शैली ज्ञानियों की सी है, जो ये जानते हैं जानामि धर्मम, उनको मोह तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आज वैसे व्याख्या में 6 मिनट अधिक हो गए, तो आपके जो 6 मिनट शंका समाधान के थे वो इधर आ गए, तो आज हम 13 श्लोक तक ही रखते हैं कक्षा को। और आपका यदि कोई प्रश्न कोई शंका हो तो उसको ले लेते हैं, और आगे के जो 14वें श्लोक से हम कल की कक्षा में देखेंगे। जी, आपके प्रश्न अथवा कोई शंका हो तो आपके उन सब का जी। जी, क्लैब्यम मा गमः पार्थ नहीं तत्युपपद्यते, ये वाला पहला था कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, दूसरा क्लैब्यम मा स्म गमः, तीसरा देखेंगे तो तीसरा कहेंगे अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञा वादांश्च भाषसे, तीसरा ये है। चौथा जी, चौथा है न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, और पांचवा है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुहियति, ये 5वां श्लोक है। आगे देखेंगे, इसकी बड़ी सुंदर चर्चा आएगी 14वें श्लोक में, तो वहां पर बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत ही सुंदर, ऐसी सुंदर बात मिलेगी वहां से कि जो तप है ना, तप वस्तुतः तप क्या होता है, किसको कहते हैं तप, तो कल आपको 14वें श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या करने का हम प्रयत्न करेंगे, और उसमें आपको बड़ा आनंद मिलेगा। संभवतया जिन्होंने शास्त्रों को नहीं छुआ है उन्होंने तप को इस रूप में नहीं जाना होगा, जैसा कि कल हम व्याख्या में करने का यत्न करेंगे।